पास एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जिसकी मदद से हम दो बाइंडिंग इनपुट्स को एड अप करते हैं, जमा करते हैं। ये बेटा उसकी डायग्राम है, दो इनपुट्स हैं ए और बी, ये दो ही आउटपुट देगा। पहली आउटपुट सम है, दूसरी आउटपुट जो है वो कैरी है। ये ट्रुथ टेबल है, इसको हमने वेरीफाई करना है बेटा। आपको ये पता होना चाहिए, जीरो प्लस जीरो सम जीरो, जीरो प्लस वन सम वन, वन प्लस जीरो सम वन, वन प्लस वन सम जीरो हो जाएगा और कैरी जो है वो वन हो जाएगा। अब ये ट्रुथ टेबल है, इस ट्रुथ टेबल की डायग्राम आपने किस तरह बनानी है, पहले सम को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। तो आपको नजर आ रहा है कि कैरी वन कब हो रहा है, कब हो रहा है, जब दोनों इनपुट जो है उसकी वन वन हो रही है। तो हमारे पास एंड गेट की एक वायर गेट होता है कि उसकी आउटपुट वन तब होती है जब दोनों इनपुट उसकी वन हो। तो हमने ये वाला जो कैरी है एंड गेट की मदद से ये आपके सामने बन गया। उसके बाद सम पे आ जाए, सम पे आपको देखते ही पता चलिएगा कि वन हो रहा है कब, जब दोनों इनपुट जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है या डिफरेंट है। पहली जीरो है तो दूसरी वन, पहली वन है तो दूसरी जीरो। तो एक्सक्लूसिव और गेट हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वो गेट होता है कि वो आउटपुट अपनी वन कब करता है जब दोनों उसकी इनपुट जो है वो डिफरेंट होती है। तो बेटा ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अब आप ए को इधर इधर जीरो दे, इधर भी जीरो दे, यहां भी जीरो आ जाएगा, यहां भी जीरो आ जाएगा, या जीरो दे या वन दे, या वन आ जाएगा या जीरो आ जाएगा, वन दे जीरो दे, सम पे वन आ जाएगा, कैरी पे जीरो आ जाएगा। अगर दोनों पे वन वन देते हैं तो सम पे जीरो आ जाएगा, कैरी पे वन आ जाएगा। क्लियर है?